कल आपने कितना लहंगे बेच दिए? कल मेरा हो गया 4-5 सब 2500, इधर है सब 2800-3200, जॉर्जेट कपड़े में आएगा हेवी में। अच्छा, नेट में है वो सब 2200 वाले हैं। अच्छा, ये सब 2200 वाले हैं। मेरा स्टार्ट जब हुआ था मैंने कुर्ती से किया था, जो दुकान में आपको करीबन 5-6 हज़ार का पड़ेगा वो मेरे पास से परचेज करोगे आपको 2500-3000 में अच्छा अच्छा चलेगा, मैं दे दूँ। 150-100 वाली भी मिल जाएगी आपको, 100 वाली भी मिल जाएगी, जिसको हम 150-200 बेच सकते हैं। भागना पड़ता है नहीं, वो लोग यहाँ तो बता देते हैं पहले से आके अभियान चलने वाला है, जो दुकान का रेंट है बच जाता है, बिजली बिल बच जाता है। इसी चीज का फायदा हमको भी होता है। प्रॉपर गुजरात से हैं, गुजरात में आप ज्यादा इसमें काम नहीं करते, आप बाहर ही काम करते हैं। एक छोटा सा रिस्पेक्ट है आपको, नेवर गिव अप इंडिया, और जनता जो देख रही है उसको उनके तरफ से। साड़ी है, लहंगा है, कुर्ती से, लेगीज है, सब करते हैं सब। हमारा माल एक्चुअली पूरा गुजरात से आता है। गाइस, मैं रोशन सिंह नेवर गिव अप इंडिया से, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पूरे कपड़े का शॉप है, वो खासकर जो शादियों में यूज़ होता है लहंगा और ये सब, उसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मिस्टर प्रकाश है जो इस शॉप को चलाते हैं, रोड साइड बिजनेस करते हैं। तो चलिए आइए हम इनसे जानकारी लेंगे, और अगर ये बिज़नेस आप इस टाइप की कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप ख़रीदना भी चाहते हैं तो मैं कुछ डिटेल दे दूंगा आपको, डायरेक्ट आप परचेज़ भी कर सकते हैं, मतलब होलसेल रेट और इस टाइप से। चलिए आइए हम उनसे बात करते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता हूँ आप लोग के लिए। प्रकाश भाई, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये कब से आप ये रोड साइड आप बिजनेस कर रहे हैं? हम लोग रोड साइड बिजनेस ना 5-6 साल हो गए हम ऐसे ही। अच्छा, बाकी यहाँ पे लगाते हैं, बाकी मालवीय रोड है गोल बाजार वहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, तो ये सारे जो जितने भी कपड़े हैं ये इसको लहंगा बोलते हैं, राइट? तो ये कहाँ से लेके आते हो आप? हमारा माल एक्चुअली पूरा गुजरात से आता है। पूरा गुजरात से आता है, उठाते हैं वहाँ गुजरात से। अच्छा, तो आधा चीज़ें बनाते भी हम लोग खुद, रिलेटिव में सब बनाते हैं। हाँ, उसे भी आता है। ये पूरा गुजरात से लेके आते हैं, कोई लोकल खरीदी नहीं है। हाँ, यहाँ का लोकल खरीदी कोई नहीं है, सब पूरा गुजरात से ही आता है। पूरा गुजरात से? तो जैसे फैक्ट्री से अगर लेना होता है गुजरात से, तो मिनिमम कितने का खरीदना पड़ता है? मिनिमम आपको लहंगे के ऊपर जाओगे ना सर, तो उसमें मान लो 20-30 हज़ार से चालू हो जाए, 20-30 हज़ार का मान लो 50 हज़ार अगर करना चाहते हो तो 50 हज़ार स्टार्ट कर लहंगे में। हाँ, और वो कोई बिजनेस हो गया आपका, साड़ी हो गया, वो उसमें आपको 20-30 में चल जाए। अच्छा, वो कम में हो जाता है? कम में हो जाता है। तो ये अभी सीज़न के हिसाब से आप ये लाए हो क्या? हाँ, सीज़न के हिसाब से, शादी के सीज़न जैसे आती है हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं लहंगे। आप 5 साल से पूरे कपड़े का ही बिजनेस कर रहे हो? कपड़े का ही कर रहे हो? कपड़े का, पूरे कपड़े में देख लो, पूरा साड़ी है, लहंगा है, कुर्ती से, लेगीज है, सब करते हैं सब। अच्छा, कोई अगर कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कौन से कपड़े से स्टार्ट करना चाहिए? कौन से कपड़े जैसा उसको अच्छा लगे मार्केट के हिसाब से, जो जो जल्दी बिक जाए मेरे हिसाब से, वो कौन से कपड़े से स्टार्ट करना चाहिए? कौन से, वो आपको मान लो ना, जैसे रोड साइड लगाना है तो मान लो कुर्ती हो गया, वैसा लगा सकते हो, और मार्केट का एरिया हो गया तो जैसे साड़ी है, ये है, उससे स्टार्ट कर सकते हो आप। अच्छा, आप लोग आप क्या चीज़ से स्टार्ट किए थे बिजनेस को? मेरा स्टार्ट जब हुआ था मैंने कुर्ती से किया था। अच्छा, कुर्ती से किया था? मैं कुर्ती से किया था, ऐसे लगाता था जब शुरुआत में, जब मैं आया तब ग्रुप साइड लगाता था, वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने पूरा। उसके बाद यहाँ पे लगाता था, कुर्ती छोड़ के फिर साड़ी का किया, साड़ी में भी कभी कर रहा हूँ, फिर ये चालू किया अभी। अभी आप काफ़ी स्टॉक रखे हो? हाँ, स्टॉक तो काफ़ी है, अभी यहाँ भी है, घर पे भी है स्टॉक। अच्छा, ये क्या क्या प्राइस के आप थोड़ा बताएंगे क्या? प्राइस में हमारा यहाँ से ना ये मतलब चालू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 2200 चालू है हमारा, 2200 से। जैसे आप बताइए, एक एक दो टो बताइए, ऐसे टाइप में आएगा नेट में है वो सब 2200 वाले हैं। अच्छा, ये सब 2200 वाले हैं। फिर वेलवेट में ये सब 2500, इधर है सब 2800-3200, जॉर्जेट कपड़े में आएगा हेवी में। अच्छा, फुल कैन में जो लहंगा आता है, स्टोन में है, हेवी हो गया। अच्छा, जो दुकान में आपको करीबन 5-6 हज़ार का पड़ेगा वो मेरे पास से परचेज करोगे आपको 2500-3000 में अच्छा अच्छा लहंगा मैं दे दूँगा। अच्छा, और एक बात बताइएगा, अगर ये कोई बिजनेस करना चाहता है और आपसे आइडिया भी लेना चाहता है या फिर आपसे परचेज करना चाहता है होलसेल में, तो आप कितने से माल लेना पड़ेगा तो आप
वो चालू कर सकता है। तो मेरे पास से लेना है तो कम से कम आपको जितना कस्टमर लेना चाहो ले सकता है, लेकिन मान लो करीबन आईडिया अपन पकड़ जाए ना, हाँ, तो 20-30 हज़ार का लेना पड़ेगा। जब लेंगे की बात कर रहा हूँ, अभी उसको कुछ माल दिखेगा जब लगाएगा तो कुछ, हाँ, तभी उसका चलेगा ऐसा 20-30 हज़ार से चालू हो जाएगा बिजनेस। अच्छा, आप ये बिजनेस 5 साल से कर रहे हैं अभी रोड के किनारे, हाँ, तो आपका एवरेज डेली सेल कितने का रहता है अप्रोक्स? डेली सेल अभी इसमें लेने जाओ ना तो मेरा हो जाता है 10,000-5,000 ऐसा लेंगे के हिसाब से, तो कहते हैं ही आता है वैसे 5,000-4,000-5,000 हाँ, निकल जाता है रोड के साइड में। तो अभी अभी जैसे कल आपने कितना लहंगे बेच दिए? कल मेरा हो गया तो 4-5 हज़ार ऐसा। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना कपड़े में बच जाता है? 40-50% रहता है? 50% और 30-40% मान के चलो सब खर्चा वर्चा निकाल रहता है। और आप प्रॉपर गुजरात से हैं? गुजरात में आप ज़्यादा इसमें काम नहीं करते, आप बाहर ही काम करते हैं? बाहर ही करता हूँ, गुजरात में भी सब चीज़ें बनती है, उन लोगों को वहाँ से लगेगा नहीं अच्छा नया, यहाँ पे ला के बेचेंगे तो नया लगेगा, इसके कारण यहाँ पे कर माल सब वही 25-25। रोड साइड बेचना, हाँ, मतलब रोड साइड बेचने में आपको शर्म टाइप का फील होता है? नहीं, शर्म टाइप का अपना काम है, अपना शर्म क्या है, मेन चीज क्या है ना, जो दुकान का रेंट है बच जाता है, बिजली बिल बच जाता है, इसी चीज का फायदा हम लोग, हमको भी होता है और आधा कस्टमर को भी होता है, दोनों को होता है। करेक्ट करेक्ट, वही चीज में वही 10,000-15,000 गोल बाजार में लेने जाऊँ तो 50,000 से चालू है दुकान, हाँ, अब उतना मैं लूंगा, मैं खुद अपने जेब से पैसा दूंगा नहीं, हाँ, निकालूंगा कहाँ से कस्टमर के पास, हाँ, तो कस्टमर को वही लॉस होता है ना, वो हमारे पास प्रॉफिट होता है कस्टमर को हमारे पास रोड साइड से लेने से, हाँ, और वैसे भी अभी मोदी जी ने बोला है लोकल ब्रोकर चल ही रहा है, ठीक है। इसलिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रोड के किनारे लगाने? रोड के ऊपर तो ज़्यादा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बस यही नगर निगम का रहता है, जब अभियान कुछ चलता है तो थोड़ी देर हटाना पड़ता है, भागना पड़ता है नहीं वो लोग यहाँ तो बता देते हैं पहले से आके अभियान चलने वाला है, तो हम लोग खुद ही समझ जाते हैं तो नहीं लगाते 4-5 दिन, हाँ, तो वो ज़्यादा फिर लगा देते हैं, जैसे कि सरकार अच्छी है तो चलने देता है सब कुछ, गरीब इंसान भी कमा रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई बिजनेस नया बंदा है, हाँ, तो क्या आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है? आपका मैं नंबर नीचे दे दूं, है ना, आपको कांटेक्ट कर सकता है। और अगर कोई रायपुर से है दोस्तों, तो आप लोकल यहाँ पे रोड में आके खरीद सकते हैं। आपका कौन सा लोकेशन? नियर आमानाका आता है, आमानाका, हाँ, नियर आमानाका आपको मिल जाएगा ये, एक्चुअली ये शॉप आपको है ना भाई का, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वो ऑडिटोरियम भी है उधर, देखिए ऑडिटोरियम है रायपुर, जो मेन जो रोड है उनके पास है। यहाँ राजकुमार कॉलेज भी मिल जाता है आपको इसी रोड में, राइट साइड में कॉफ़ी हाउस मिल जाता है, NIT है, NIT के पास ही में आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको ले सकते हैं। तो आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच। इसमें नुकसान भी होता है क्या आपको? नुकसान में तो कुछ होता नहीं है, हाँ, लगभग तो चला जाता है जो माल लाते हैं, नुकसान वाला कोई क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है तो पता चल जाता है क्या चीज़ चलेगी क्या चीज़ नहीं चलेगी। हाँ, नए स्टार्ट करो तो थोड़ा ये तकलीफ रहता है, हाँ, जैसे करने लग जाओगे वैसे आपको भी समझ आ जाएगा। साड़ी जल्दी बिकता है क्या? हाँ, वो साड़ी भी बिकता है, बिकता है, हाँ, वो साड़ी बिकता है, लेकिन क्या वो मार्केट साइड में ज़्यादा बिकता है, उधर लगाते हैं हम लोग। साड़ी कम से कम कितने से स्टार्ट होता है? साड़ी हमारे यहाँ कम से कम होलसेल रेट में बोल रहा हूँ, होलसेल रेट में, हाँ, कम से कम रेट में तो आप जैसा लेना चाहो साड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, बट कम से कम 150-100 वाली भी मिल जाएगी आपको, 100 वाली भी मिल जाएगी, जिसको हम 150-200 बेच सकते हैं, इतना में मिल जाएगा, लेकिन वो साड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ हाँ, आपकी साइड में क्या चलता है वो डिपेंड करता है ज्यादा। लेकिन सूट में एक प्रॉब्लम ये होता है कि साइज हर टाइप का रखना पड़ता है ना? हाँ, साइज रखता है, साइज में क्या है ना, एक डिजाइन मान लो ना कोई सा भी है उसमें 4 कलर आते हैं, साइज भी 4 आती है, उस हिसाब से मिल जाता है। ठीक ठीक, प्रकाश भाई ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया, आप देख सकते हैं। प्रकाश भाई थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और मैं चाहूँगा कि अगर कोई बंदा अगर चाहता है कपड़े का कुछ अपना काम करना, किसी भी स्टेट से देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है, आखिर भाई लाते गुजरात से ही है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना, जो नए लोग हैं उनको ज़रूर आप हेल्प करेंगे, है ना। आपको सर मैं एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा, ना एक छोटा सा रिस्पेक्ट है आपको, नेवर गिव अप इंडिया और अब बात जनता जो देख रही है उसको, उनके तरफ से एक छोटा सा रिस्पेक्ट है, एक क्लैप है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़िए, है ना, और आप क्या सलाह देंगे अगर ये बिज़नेस कोई करना चाहता है तो? बिज़नेस कोई करना चाहता है यही सलाह देता हूँ कि
मान लो आपका कहीं जॉब, पढ़े लिखे हो फुल, जॉब का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करके अपना चला सकते हो, ऐसा बात है। घर में बैठे रहोगे कुछ मतलब है नहीं, शर्म करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप अपना बिजनेस ही कर रहे हो, उसमें शर्म कुछ नहीं है। रोड पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, अभी मान के यही चलो, मतलब पैसा आना चाहिए घर में। पैसे से ही सब कुछ होता है दुनिया। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए। अगर आप जॉब से परेशान हैं या आपके पास जॉब नहीं है, नहीं है, तो 5-10 हज़ार रुपये लगा के चालू कर दो यार, क्या है, एक बोरा उठाओ कहीं पे भी चालू करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कम से कम आइडिया तो मिलेगा आपको, तो मिलेगा। और रोड में देख रहे हो पब्लिक कितना कितना चल रहे हैं, कोई ना कोई तो आएगा आपके पास, कुछ ना कुछ तो बिकेगा, है ना, कुछ तो होगा, बैठोगे ऊपर वाला बैठा है देने के लिए, कुछ ना कुछ दे ही देगा उसमें। और गाइज आप ऐसे ही हमारा वीडियो देखा कीजिए, अब प्रकाश भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और देखिए और इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है आपको ये सॉल्व करेंगे, बहुत सारा आइडिया भी दे देंगे, तो अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। और गाइज आप ऐसे हमारा वीडियो देखा कीजिए और वीडियो देख के कुछ करने का सोचिए, कभी हार मत मानिए लाइफ में, बहुत टाइम ऐसा लगेगा आपको मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, बट आप ये सोचिए, पढ़ाई लिखाई को एक साइड कीजिए और अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग ऊपर वाले ने दिया है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उसका थोड़ा सा उपयोग बस कीजिए और आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, आपके पड़ोसी कहे, आपके फैमिली कहे, उसका ध्यान मत दीजिए और आप फोकस कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मेरा ऐसी वीडियो डेली देखा कीजिए और मैं ऐसी डेली वीडियो आपके लिए लाता हूँ और आप कहीं ना कहीं इंस्पायर होते होंगे, तो और कभी हार मत मानिए मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो। नेवर गिव अप इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून।